नमस्कार, उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीजी व्यापम बोर्ड के द्वारा जो अभी परिवेक्षक अर्थात सुपरवाइजर पद की भर्ती हेतु भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके सिलेबस क्या है। किसी भी परीक्षा को दिलाने से पहले यह आवश्यक है कि हमें यह जानकारी होना चाहिए कि उस परीक्षा का सिलेबस क्या है। जब हम उसके सिलेबस को जान लेते हैं तो उसके अनुसार से तैयारी करने में बहुत आसानी होती है और हम कम समय में बहुत अच्छे तैयारी कर लेते हैं और अनावश्यक रूप से कुछ भी पढ़ने से बच जाते हैं। तो बात करते हैं इसका सिलेबस क्या होगा। इसके पहले बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत 200 पद सुपरवाइजर के लिए ओपन किए गए हैं, जिसमें 100 पद जो है खुली सीधी भर्ती के तहत होगा और 100 पद जो है परिसीमित सीधी भर्ती के तहत। खुली सीधी भर्ती क्या है और परिसीमित सीधी भर्ती क्या है, इसके फॉर्म कब तक भर सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाए हैं। उस वीडियो को आप सबने देखा है और नहीं देखे होंगे तो यहाँ से आई बटन से देख लीजिए, सारी जानकारी बताया गया है कि दोनों प्रकार की भर्ती में क्या अंतर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा। दोनों प्रकार की भर्ती परीक्षा का सिलेबस अलग अलग है, परीक्षा भी अलग अलग समय में होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि खुली सीधी भर्ती के लिए सिलेबस क्या है। खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित जो चयन परीक्षा होगी उसका पाठ्यक्रम निम्नवत है, जिसमें देखिए सबसे पहले समझते हैं जो परीक्षा होगी वो 200 नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा और प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इन 3 घंटों के भीतर जो प्रश्न पेपर आपसे पूछे जाएंगे 3 घंटे के भीतर आपको बनाना है और प्रश्नों की संख्या जो है वो 100 होगा, अर्थात प्रश्न जो है 100 होंगे और नंबर जो होंगे 200 नंबर, अर्थात एक प्रश्न के पीछे 2 अंक होंगे। ठीक है, और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो वैकल्पिक होंगे, अर्थात एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए जाएंगे, उसमें से जो सही उत्तर है उसमें आपको गोला लगाना है ओएमआर शीट पर। ठीक है, ओएमआर शीट कैसे भरा जाता है ये भी हम अलग से वीडियो ले आएंगे, अभी हम यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर भाग एक जो है खुली सीधी भर्ती के लिए, वो भाग एक के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रम के बारे में आपको पढ़ाई करना है। इसके अंतर्गत 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 अंक के प्रश्न अर्थात टोटल जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 में से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब 20 प्रश्न जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट शामिल, उसको देखिए। पहला जो पॉइंट है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, अर्थात इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, विस्तृत जानकारी पढ़ लीजिएगा, इससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मार्केट बहुत सारे बुक अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद आंगनबाड़ी की सेवाएं, हितग्राहियों का उद्देश्य का चयन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य दायित्व, आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदंड, इसके अंतर्गत आपको तैयारी करना है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, ठीक है, कुपोषण एवं वृद्धि निगरानी, वजन त्योहार, इन सब के बारे में पढ़ना है। इन सब से आप परिचित हैं, जो पूर्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो तो अच्छे से जानते हैं। ठीक है, उसका देखिए शिशु व मातृ मृत्यु दर, टीकाकरण, रोगी प्रतिरक्षण, इसके बारे में पढ़ना है। बच्चों को पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाली बीमारियां, इसके बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही साथ विभाग की जो केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं उसके बारे में पढ़ना है, इसके अंतर्गत ये सारी योजनाएं हैं। ठीक है, इन सभी योजनाओं के बारे में पढ़ना है, आप वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए, इन सभी के अंतर्गत आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए विभाग की राज्य मद की योजनाएं, ठीक है, राज्य मद के अंतर्गत जो योजनाएं संचालित है उनके बारे में पढ़ना है, जैसे कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, संस्कार अभियान, सुचिता योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, महतारी जतन योजना, वजन त्योहार, नोनी सुरक्षा योजना, नवा अभियान योजना, महिला जागृति शिविर, महिला मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, महिला छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना, सक्षम योजना एवं नारी निकेतन। इसके बाद जो 8वां पॉइंट है सामुदायिक सहभागिता, महिला स्व सहायता समूह के बारे में पढ़ना है। और 9वां जो है महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान, इसके अंतर्गत अलग अलग जो नियम है अधिनियम है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से भाग एक के अंतर्गत 9 अलग अलग पॉइंट है, इन सभी पॉइंटों में से कुल जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसका अंक जो है 40 अंक का होगा। ठीक है, 40 अंक का प्रश्न हो गया। अब देखते हैं भाग दो के अंतर्गत 80 अंक के प्रश्न आएंगे, अर्थात टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें 20 प्रश्न, इसमें 40 प्रश्न, टोटल 60 प्रश्न हो गए। अब ये 80 अंक अर्थात 40 प्रश्न के अंतर्गत किन किन बातों को शामिल किया गया है, क्या क्या आपको पढ़ना है, देखिए भाग दो में आपको पढ़ना है सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान। ठीक है, इसमें विषमताओं को पहचानना ये जो है मानसिक योग्यता वाले प्रश्न है, आंकिक श्रेणी, ठीक है, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक,
तथा चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न। ठीक है, उसके बाद ये तर्क संगत वाले प्रश्न रहेंगे, तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी करना, अंकित योग्यता आदि। छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास, ठीक है, सामान्य जानकारियां और घटनाएं खेल साहित्य के बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही साथ भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाक्रम, और उसके बाद है भारत का संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, लोकतंत्र। ठीक है, इन 6 पॉइंट के अंतर्गत तैयारी करना है। इसके बाद 7वां, 8वां, 9वां नीचे और दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत की अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं अलग अलग पॉइंट है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इनके साथ ही साथ भूगोल के अंतर्गत भारत का भौगोलिक स्वरूप, भारत के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, छत्तीसगढ़ का भूगोल और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार, विज्ञान संबंधी सामान्य ज्ञान। इन 9 पॉइंट के अंतर्गत 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 80 अंक के होंगे। ये जो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड करेंगे मैं बताऊंगा भी। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सिलेबस का वीडियो जो है आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, लास्ट तक देखिए, बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए भाग दो हो गया, अब भाग दो के बाद भाग तीन के अंतर्गत 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 15 प्रश्न। पहले भाग में 20 प्रश्न, दूसरे भाग में 40 प्रश्न और यहाँ पर 15 प्रश्न, इस प्रकार से 75 प्रश्न यहाँ हो गए। ठीक है, अब ये भाग तीन जो है हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा पर है, जिसमें शब्द रचना, ठीक है, शब्द का प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अनेक शब्दों का एक शब्द, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, विनोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, क्रिया, व्यवहारिक उपयोग, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक, अब उसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश के अंतर्गत 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 20 अंक के होंगे। इस प्रकार से 75 और 10 85 प्रश्नों का यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो इंग्लिश है उसके अंतर्गत नंबर, ठीक है, सिंगुलर प्लूलर नंबर, ठीक है, जेंडर पढ़ना है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद है जो 15 प्रश्न होंगे, 85 प्रश्न अभी तक हमने देख लिया, जो शेष जो 15 प्रश्न है जो 30 अंक के होंगे वो गणित के अंतर्गत होंगे। गणित के अंतर्गत इन चैप्टर पर आपको पढ़ना है। गणित की यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल उज्जवल लक्ष्य से भी कर सकते हैं, वहाँ गणित बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक है, जिसमें इन सभी चैप्टर पर बेसिक वीडियो बने हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। हालांकि वो सभी वीडियो नवोदय के लिए है, लेकिन ये सब चैप्टर उसमें है, आप इन सबको भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सब आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से जो है सीधी भर्ती के लिए ये 100 प्रश्नों का सिलेबस है। अब हम बात करते हैं जो परिसीमित भर्ती होना है, तो परिसीमित भर्ती होना है उनके सिलेबस क्या है। परिसीमित भर्ती के लिए जो सिलेबस है, पहले स्पष्ट कर दें कि इसका भी जो पूर्णांक है 200 अंक का है, 200 अंक का परीक्षा होगा, परीक्षा 3 घंटे का होगा और इसमें भी जो प्रश्नों की संख्या है 100 होगी और 100 प्रश्न होंगे, 200 नंबर होंगे, अर्थात एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए प्रश्नों की प्रकृति वस्तुनिष्ठ, अर्थात जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ऑप्शनल होंगे, अर्थात प्रश्न के 4 उत्तर दिए जाएंगे, उसमें से जो सही उत्तर है उसमें से उसको टिक लगाना है, OMRC पर गोला लगाना है। ठीक है, अब इसका जो है परिसीमित सीधी भर्ती के अंतर्गत भाग एक के अंतर्गत 120 अंक होंगे, अर्थात इसके अंतर्गत 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी भाग के अंतर्गत 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इसको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, आंगनबाड़ी की सेवाएं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। ये जो 7, 8, 9 देखिए ये 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट के अंतर्गत अलग अलग और पॉइंट दिए गए हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है और इसी में से जो है 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जो भाग दो है वो मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान का है। मानसिक योग्यता सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर दिया गया है। इसके अंतर्गत 15 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 30 अंक के होंगे। ठीक है, 60 और ये 15, 85 हो गए। उसके बाद है जो अगला है भाग तीन के अंतर्गत हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा, इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 20 अंक के होंगे। ठीक है, इन सबको पढ़ना है। और उसके बाद जो है भाग चार है, 10 अंक अंग्रेजी के होंगे, अर्थात 5 प्रश्न जो है इसमें से पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, आपको अंग्रेजी में इन सभी की तैयारी करना है। और इसके साथ जो भाग 5 है गणित विषय है, गणित के अंतर्गत 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न के 20 अंक होंगे, जो है इन सभी चैप्टर पर आधारित होगा। ठीक है,
इसमें स्पष्ट कहा गया है कि चयन हेतु परीक्षा का आयोजन आयोजन जो है परीक्षा संचालन समिति नियम, परीक्षा पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप, परीक्षा की तिथि, ये सब वेबसाइट से पता कर सकते हैं आप स्वयं जा करके, या जो है हमारे चैनल के माध्यम से भी जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए विभाग का जो वेबसाइट है सीजी व्याप में जाएंगे और यहाँ पर देखिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हो इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग का विज्ञापन का यहाँ पर आया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे और यहीं से जो है आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर सिलेबस आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये वाला पीडीएफ ओपन हो जाएगा, इसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप जो है बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी, हमारी शुभकामनाएं हैं, नमस्कार।